माननीय सभापति महोदय, आज मांग 40 और 45 के ऊपर मेरे विचार रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपने मेरे को समय दिया, इसका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के नगर निगम दो बढ़ा दिए गए, जो सरकार आपकी है, जो आप चाहे वैसे कर दिया और कोई बात नहीं। फिर भी जोधपुर के अंदर माननीय सभापति महोदय सफाई न के बराबर है, सफाई का नामो निशान नहीं है और सफाई नहीं होने का। इसका एक मैं ये समझती हूँ कि जोधपुर के अंदर जो नगर निगम है वहाँ के जो सफाई कर्मचारी होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर होता है वो ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए। कोई भी मेरे को ऐसी समझ में आई है कि एक भी इंस्पेक्टर ऐसा नहीं है जो ट्रेनिंग किया हुआ हो, ट्रेनिंग आप था एक भी इंस्पेक्टर नहीं। एक तो ये मेरी समस्या। दूसरी बात, एंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर, एंक्रोचमेंट हटाने वाला इंस्पेक्टर को क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए या मर्जी वैसे लगा देते हैं। इसी तरीके से जोधपुर के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ क्या आ रही है, हेल्थ ऑफिसर। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगी, हेल्थ ऑफिसर का मतलब क्या है? हेल्थ ऑफिसर वो लगना चाहिए जो डॉक्टर हो, मर्जी और जिसको लगा दिया हेल्थ ऑफिसर। अब जोधपुर का क्या काम होगा, कैसे काम होगा जोधपुर के अंदर? जोधपुर के अंदर अव्यवस्था होगी। जोधपुर के अंदर नाले सफाई करने वाले अलग होते, गटर सफाई करने वाला अलग होता, खालिये सफाई करने वाले अलग होते, कोई भी नज़र नहीं आता है। और हर वार्ड के अंदर कम से कम हर वार्ड 100-200 का तो होता ही है, तो हर वार्ड के अंदर क्या कर्मचारी लगेंगे, 4 या 5। अब 4-5 कर्मचारियों से कैसे सफाई होगी? और जब मैंने ये पूछा इनसे तो कहा कि हमारे बीट नहीं है, बीट नहीं है तो सफाई नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं भी 70 के अंदर म्युनिसिपलिटी मेंबर रही हूँ और 80 में रही हूँ, 2 दफ़े मैं रही हुई हूँ। मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि बीट नहीं होती है, या इंस्पेक्टर होता है उसको ट्रेनिंग की हो, जयपुर से ट्रेनिंग करके आता है फिर वो सैनिटरी इंस्पेक्टर कहलाता है, वो नहीं है। तो ये अव्यवस्था, ये अव्यवस्था। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर कौन होता है? जो डॉक्टर होता है वो होता है। इन्होंने मर्जी अवैध कर दिया है। इसके लिए मंत्री महोदय से चाहूँगी, इसके लिए अपने जवाब के अंदर विचार करें इस तरीके कैसे किया गया है। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर प्रशासन की ओर लगाया और पट्टे जारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पट्टे जारी होने चाहिए और पट्टे मिलने भी चाहिए, मगर पट्टे किसको मिल रहे हैं? जो पट्टा मिलना चाहिए उनको तो पट्टे मिल ही नहीं रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जो 40-40 साल 25-25 साल से 10 साल से बैठे हैं उनको किसी को भी पट्टे नहीं मिल रहे हैं। पट्टे किसको मिल रहे हैं? फुटपाथ वालों को, फुटपाथ वालों को पट्टे मिल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए भी सुधार की जरूर आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, एक और समस्या है कि जोधपुर के अंदर भारत सरकार से करोड़ों रुपए में, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के अंदर धनराशि आई गई, आई जो जोधपुर में। किस लिए आई? कि प्रदूषण को हटाना चाहिए, पेड़ पौधे लगने चाहिए, सफाई होनी चाहिए, तो वो नहीं। वो सिर्फ इंटरलॉकिंग टाइल्स और ये लगाने के अंदर ही सारी धनराशि खर्च करती। इन्होंने कोई मेरे को ये बता दें, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगी, ये बता दें अगर वो कितने पौधे लगाए, ये नहीं बता सकते। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के सूरसागर के अंदर एक कुत्तों का बाड़ा है। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति है उस कुत्तों के बाड़े की कि कोई भी वहाँ खड़ा नहीं रह सकता। और उधर मंदिर आए हुए हैं, लोग सुबह दर्शन करने जाते हैं, बस्ती बस गई। मैं मेहरबानी करके आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि या तो उस कुत्तों के लिए कोई व्यवस्था करे, नहीं करे तो कुत्तों का भाड़ा हटा दें वहाँ से, हटा करके जो आपके मर्जी है उसको काम में ले। और एक पब्लिक को अच्छा संदेश जाएगा और वहाँ रहने वाले भी बहुत आराम से रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं
हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि सरकार ने जोधपुर नगर निगम में क्षेत्राधिकार आया हुआ है उत्तर और दक्षिण का दोनों का। माननीय सभापति महोदय, हर गली मोहल्ला ऐसी गंदगी से भरा हुआ है और वहाँ पे रंग का पानी जाता है, उसके अंदर है माननीय सभापति महोदय बकरावंडी, खांडावलसा, चडवा की गली, सिवांची गेट, नागौरी गेट, कलाल कॉलोनी, ऊपर के क्षेत्र के अवैध रंगई छपई के पानी की वजह से, गंदा पानी होने से पाइपलाइन के अंदर चला जाता है, नालियों के अंदर चला जाता है, आसपास कुएं बावड़ियाँ हैं उसके अंदर चला जाता है, उससे काफ़ी कुछ जनता को परेशानी होती है। और जब पाइप के अंदर पानी जाता है तो लोगों की ये शिकायत रहती है गंदा पानी आ रहा है, और गंदा पानी आ रहा है इसको रोकने के लिए सरकार को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए और इनके अंदर इनको सोचना चाहिए कैसे किस तरीके से करें। माननीय सभापति महोदय, मैं ये चाहूँगी सरकार से कि ऐसी जगहों को तुरंत ठीक करें और अच्छी तरह से करें। आपने टाइम दिया, ऐसे धन्यवाद। श्री कृष्ण।